हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ दिवाली स्पेशल एक स्वीट की रेसिपी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई में ना तो हम चीनी का यूज़ करेंगे, ना मावा, ना ही घी का यूज़ करेंगे और किसी भी तामझाम करे बगैर हमारी मिठाई मात्र 5 मिनट में तो बनकर रेडी भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलो किसी तामझाम करे बगैर एकदम झटपट हमारी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें टिन रेडी कर देना है। यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप वाला टिन ले लिया है, जिसके अंदर हमने पेपर लगा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 200 ग्राम जितना पनीर ले लिया है, जिसको हम पहले ऐसे ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो पनीर यूज़ करना है वो फ्रेश हो, उस बात का खास ध्यान रखना, तो ही हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। इसी प्रकार से सारे पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, उसमें अब हम ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे हमने ले लिया है मिल्क मीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिल्क मीट का यूज़ 200 ग्राम करेंगे। जो 400 ग्राम का टिन आता है उसका हम आधा ही यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे उतना मीठा कम या ज़्यादा बना सकते हैं, पर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी टाइम पे अब हमने जो पनीर को ग्रेट करके रखा था उसको भी साथ ही में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे मेजरमेंट सेम ही है पनीर का और मिल्क मेट का। अब हम सारा पनीर को ऐड कर देंगे। अब हम सारे मिश्रण को मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई इतनी डिलीशियस बनती है कि आप बाहर से महंगी महंगी मिठाई लाना भी भूल जाए, इतनी डिलीशियस बनती है। चलाते पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो हमारी मिठाई नीचे से जलने लगेगी और हमारी मिठाई का टेस्ट बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी एकदम आसान तो है ही, साथ ही में झटपट भी रेडी हो जाती है। आप फेस्टिवल में कौन सी आसान सी रेसिपी करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इन बातों में हमारा मिश्रण घट भी हो गया है। ये हमने करीबन 4 से 5 मिनट ऐसे ही चलाते हुए पका लिया है। ये अभी पैन को भी छोड़ने लगा है, तो इससे ज़्यादा अब हम नहीं पकाएंगे। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो हमारी मिठाई हार्ड बनेगी, इसलिए सॉफ्ट मिठाई चाहिए, तो इसी टाइम पे अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने जो टिन रेडी किया है उसके अंदर हम ये सारा मिश्रण ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बटर पेपर का यूज़ किया है। आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप घी से भी ग्रीस इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो थाली या प्लेट में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो भी बर्तन लो आप उसको ग्रीस कर लेना घी से। अब हम सारे मिश्रण को ऐसे फैला लेंगे बिल्कुल इवनली ही। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इवनली ही सारे मिश्रण को ऐसे फैला लिया है। अब हम कम्प्लीटली इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रखेंगे, फिर ही उसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मिश्रण कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे एकदम यमी यमी ऐसी हमारी मिठाई को हम सिल्वर वर्क से डेकोरेशन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास सिल्वर वर्क ना हो तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं मिठाई को। यहाँ पे हमारी मिठाई और भी अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता को हमने स्प्रिंकल कर लिया है। एकदम डिलीशियस और झटपट हमारी मिठाई बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।